हाय बच्चों गुड मॉर्निंग हो गई सुबह मैं आ गया हूँ एक मिनट दो तो मिनट लेट हो गया हूँ लेकिन कोई बात नहीं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ओ वो कैब तो खोलना भूल ही गया मैं चलिए देखिए किस तरह से वो कैब खुलती है सुबह सुबह ये मैंने किया डाउनलोड ये आ गई वो कैब यहाँ पर और फिर मैंने इसे ओपन कर लिया ये बोर्ड है ना ये अपने आप में ही एक कंप्यूटर है ओके, okay. हो हो गया, ये और ये हो गया। और चले। आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे जुड़ सारे बच्चे मेरे साथ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को ढेर सारा प्यार सभी सभी को ढेर सारा प्यार आ जाएंगे सारे बच्चे जुड़ेंगे मेरे साथ सेशन को शेयर करेंगे प्रणाम 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 प्रणाम, प्रणाम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चले तो शुरू करें सेशन को आइए भाई शुरू कर देते हैं सेशन को मजेदार सेशन को सबसे पहले वही सो बात की एक बात की जिन बच्चों ने अभी तक एग्जाम्पुल डिफेंस वॉरियर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाकर उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और जिन बच्चों ने एग्जामपुर मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है उसे डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि आपको पी डी वहां पर मिल जाती है और बहुत सारे फ्री कोर्सेस वहां पर मिलते हैं चलिए और बच्चों बहुत जल्दी ध्यान रखना एनडीए टू के लिए एक बहुत प्यारा सेशन आ रहा है जिसका नाम है आखिरी संघर्ष एन डी ए टू के लिए ध्यान रखेंगे बच्चे कब आएगा कैसे आएगा बहुत जल्दी आपको पता पड़ जाएगा लेकिन अपने दिमाग में इस आखिरी संघर्ष नाम को याद रखेंगे चले तो शुरू कर देते हैं भाई और सबसे पहला वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर है उसके पहले एक प्यारा सा थॉट है कि आप ठहर जाएंगे तो चलेगा आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी आप रुक जाओ चलेगा सोच को मत रोक आप पढ़ते पढ़ते थक गए बैठ जाओ लेकिन पढ़ाई को मत रोको पढ़ाई चलती रहने दो तो। पढ़ाई चलती रहेगी आपकी सोच चलती रहेगी सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ते रहेंगे आगे चलिए तो पहला वर्ड स्क्रीन पर है और वो है एपरेंट पहला वर्ड स्क्रीन पर आ चुका है और पहला वर्ड है बच्चे एपरेंट ए डबल पी ए आर ई एन टी एपरेंट एपरिंट एपरेंट मतलब क्या होता है बच्चे एपरिंट मतलब होता है स्पष्ट कोई भी चीज जो स्पष्ट है कोई भी चीज जो एकदम साफ साफ है एकदम साफ साफ है कि भाई मैं तो बच्चों को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं ये बात एकदम साफ साफ है ये बात एकदम स्पष्ट है इसलिए मेरी जब ऐप का बैच लॉन्च होता है तब उसमें सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अपने आप मेरे पास आ जाते हैं मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं होती ठीक है यह होता है एप प्रिंट ठीक है कोई भी चीज स्पष्ट होना एकदम क्लियर होना एक प्यारा सा पिक लगा रखा है जहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक ऑफिस है और ऑफिस को बॉस ने इस तरह से बनाया है कि सारी चीजें एकदम क्लियर है मतलब बॉस यहां बैठ के देख सकता है कि अंदर क्या क्या चल रहा है तो ये ऑफिस कैसा है ये ऑफिस एपरेंट है आप याद कैसे रखेंगे ये इंपॉर्टेंट बात है ये इंपॉर्टेंट बात है आप पेरेंट Apparent, apparent, आप पेरेंट, आप पेरेंट, आप पेरेंट हैं बच्चों को हर बात स्पष्ट बताएं। क्या आप प्यारा सा निमोनिक बना है टीचर बोल रही है अरे आप पेरेंट हैं आप तो माता पिता हैं, आप पेरेंट हैं बच्चों को हर बात स्पष्ट बताएं। तो पेरेंट भी हो गया आप पेरेंट से याद रखेंगे और उसका मीनिंग स्पष्ट वो भी आ गया बन गया ना बढ़िया सा निमोनिक, चलिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स होंगे क्लियर डिस्टिंक्ट, विजिबल कॉन्सपीकस और ऑब्वियस ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटोनिम्स की बात करूं तो हिडन इनविजिबल बिहाइंड ऑब्सक्योर डाउटफुल ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे मतलब वो सारे वर्ड्स जो चीजों की स्पष्टता की बात करेंगे आप देखो ना विजिबल तो डिस्टिंग किया है आज तक आपने चीजों को स्पष्ट रखने के लिए चीजों को स्पष्ट बोलने के लिए चीजों को स्पष्ट देखने के लिए और वहीं देखो ये सारे वर्ड्स हमेशा अस्पष्टता ही बताई है इन्होंने हिडन इनविजिबल बिहाइंड ऑब्सक्योर डाउटफुल क्लियर है तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे चलिए एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं मेरे शेर को देखते चलेगा आई नीड एफरेंट पीपल इन माई ऑफिस अरे भाई मेरे ऑफिस में सिर्फ स्पष्ट बंदों की जरूरत है आई नीड एपरिंट पीपल इन माई ऑफिस चलिए तो बढ़िया सा वर्ड है एपरिंट मतलब होता है स्पष्ट एक सी ऐसी पेके जहां पर आप देख रहे हैं कि एक ऑफिस है जो एकदम क्लियर है स्पष्ट है एक शानदार निमोनिक है कि आप पेरेंट हैं बच्चों को हर बात स्पष्ट बताएं एक शानदार एग्जाम्पल भी है कि आई नीड एपरिंट पीपल इन माई ऑफिस तो फटाफट आप स्क्रीन लीजिए मैं देखता हूं आपने क्या क्या निमोनिक्स बनाए हैं आपके निमोनिक्स सेशन की जान है न्यू बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होगा बच्चे एयरफोर्स का डोंट वरी राव आशीष यादव ने बनाया है आपका रेंट स्पष्ट है बहुत बढ़िया शानदार राघव ने भाया है आप पेरेंट एपरेंट की सारी बातें स्पष्ट रूप से बताएं। शानदार विवेक कुमार यादव ने एग्जाम्पल बनाया है वी शुड बिकम एपरेंट टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शेरों बहुत बढ़िया चलिए अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर अगला वर्ड है बच्चे आर्डेंट अगला वर्ड जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है आर्डेंट ए -E आर डी ई एन टी आर्डेंट आर्डेंट मतलब क्या होता है बच्चे आर्डेंट मतलब होता है उत्कृष्ट जोशीला है ना कोई भी चीज आपको जोश से भरी हुई दिखे कोई भी चीज बहुत प्यारी उत्कृष्ट टाइप की दिखे तो समझ जाना उसका मतलब होता है आर्डेंट क्लियर है देखो इस लड़की को कितनी जोश में है शायद बहुत दिनों बाद इसने अपने माता या अपनी पिता को देखा होगा या बहुत दिनों बाद इसे बाहर खेलने को मिला होगा या बहुत दिनों बाद इसने कोई ऐसी चीज देखी होगी जिसे देखकर इसके अंदर जोश भर गया चलिए आइए या 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 याद कैसे रखेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है याद कैसे रखेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है अरे डेंट हर अर डेंट अरे डेंट लगा गया अरे डेंट लगा गया वो मेरी अरे डेंट लगा गया वो मेरी उत्कृष्ट कार में <laughs> है ना कितना प्यारा निमोनिक बना अरे डेंट लगा गया अरे डेंट अरे डेंट अरे डेंट अरे डेंट अरे डेंट लगा गया वो मेरी उत्कृष्ट कार में तो अर्डेंट भी आ गया और उसका मीनिंग उत्कृष्ट भी आ गया नोट करेंगे मेरे शेरों सिनोनिम क्या हो जाएंगे सिनोनिम हो जाएंगे ईगर डिवोटेड इंटेंस एक्साइटेड जीलस ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटोनिम्स की बात करूं तो इंडिफरेंट स्लगिश एपथेटिक लेथार्जिक डल ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे गौर से देखो ना आज तक जोश के लिए और बहुत अच्छे के लिए आपने इन्हीं वर्ड्स का तो इस्तेमाल किया है इंटेंस हो गया और एक्साइटेड हो गया जीलस हो गया याद है और फिर वहीं जब एंटोनिम की बात करूं तो देखो स्लगिश हो गया अपथैटिक हो गया जोश जुनून ही नहीं है खत्म है बिल्कुल इसलिए सारे वर्ड इनके एंटोनिम्स हैं चलिए एक बढ़िया से एग्जाम्पल बनाता हूं मेरे शेयरों के लिए देखते जाइएगा My daughter is very ardent. तो इसी बच्ची के पिता ने इसे देखकर बोला कि माए डॉटर इज वेरी आर्ट हो गया काम एक पिक से ही अपना काम हो गया एक मिनट रुकेंगे बच्चे तो बढ़िया सा वर्ड है बच्चे आर्डेंट जिसका मतलब होता है उत्कृष्ट या जोशीला एक शानदार पिक लगी हुई है जहां पर जोश से भरी हुई एक बच्ची आपको दिखाई दे रही है शानदार निमोनिक है अरे डेंट लगा गया वो मेरी उत्कृष्ट कार पर और एक एग्जाम्पल भी बढ़िया है कि माई डॉटर इज वेरी आर्डेंट क्लियर है तो बड़ा बड़ा आप स्क्रीन लीजिए मैं आपके निमोनिक्स देख लेता हूँ कि मेरे शेरों ने क्या क्या कोशिश करी है अरे डेंटिस्ट ने जोश में दांत तोड़ दिया रे <laughs> रॉकस्टार टीवी बोल रहा है रमनदीप सिंह ने बनाया आई एम टू आडेंट फॉर एग्जाम आफ्टर सीइंग एनडीएस एडमिट कार्ड बहुत बढ़िया नमन ने बढ़िया सिरोनिस बना दिए हैं बहुत बढ़िया वंश ने बनाया योर आर्ट नेचर इज वेरी अट्रैक्टिव अच्छा, क्लास ब्लैक हो गई थी अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेंगी <laughs> चलिए आ जाइए आ जाए, आ जाइए आ जाइए आ चलिए चले अब शुरू कर दे बाकी सेशन को आ जाओ भाई चलिए तो वन वर्ड शुरू कर दिए मैंने पहला वन वर्ड जोश से स्पीड से ध्यान से पूरे मन से पूरी लगन से बच्चे आंसर देंगे ठीक है सुबह सुबह की जो वोकैब आप कवर करते हो बच्चे ये दिन भर के लिए आपका सबसे बेहतरीन डोज है करिए शुरू भाई सोलेम अंडरटेकिंग विद गॉड्स हेल्प टू डू समथिंग भगवान की कसम लेकर कोई चीज शुरू करना क्या कहलाता है बताइए भगवान की कसम लेकर कोई चीज शुरू करना क्या कहलाएगा देंगे बच्चे सारे आंसर स्पीड में बहुत बढ़िया रिया कुमारी बहुत बढ़िया आकांक्षा सिंह बहुत बढ़िया सागर गुप्ता मनीष दीपेश गार्गी जीना अंशिका शिवम शैलेश खुशी बहुत बढ़िया अनिकेत रोशन विकास मुस्कान जीना बहुत बढ़िया अंशु आर्मी गौरव सागर अर्जुन शानदार बच्चे शानदार आइए देख लेते हैं भाई क्या कहलाता है वो कहलाता है औ है ना आपने देखा होगा मंत्री लोग क्या करते हैं मंत्री लोग ओथ लेते हैं कसम लेते हैं ताकि देश की सेवा कर सके भले ही वो करते नहीं अलग बात है ठीक है चलिए अब जो बाकी वर्ड्स है उनकी मीनिंग आपके आपको बता देता हूं फीजेबल फीजेबल क्या होता है फीजेबल होता है कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ कोई नहीं लिखवाता इतनी डिटेल इतनी डिटेल कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ लिखते रहो बहुत काम की चीजें हैं ये फिजेबल होता है कैपेबल ऑफ बीइंग डन कैपेबल ऑफ बीइंग डन क्योंकि मैं वो लिखवा रहा हूं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं इसलिए नोट करेंगे बच्चे एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉट ड्रॉट क्या होता है बच्चे ड्रॉट होता है, सूखा, है ना कहीं पर जब सूखा पड़ जाता है बारिश ही नहीं होती काफी टाइम तक तब कहते हैं वहां पर ड्रॉट आ जाता है सूखा ड्राई वेदर एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बच्चे एगाली टेरियनिज्म एगाली टेररिजम का मतलब होता है बिलीफ दैट बिलीव दैट ऑल पीपल आर इक्वल ऐसी बिलीफ जो ये बोलती है कि सब लोग बराबर हैं कहलाता है एगली टेरियानिज्म क्लियर है नोट करेंगे बच्चे पूरा बोर्ड भर दिया है मैंने प्रॉपर मीनिंग्स से चले अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर जोश के साथ आंसर देंगे मुझे बहुत प्यारा वन वर्ड फिर से है बच्चे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का वन वर्ड लेकर आया हूं बताइए पोल ऑन फ्लैग इस फ्लोन कोई भी एयरफोर्स एक्स वाई का बच्चा इस क्वेश्चन का गलत आंसर मत देना बता रहा हूं अ लॉन्ग पोल ऑन विच अ फ्लैग इज फ्लोन वो डंडा जिस पर झंडे को फहराया जाता है क्या कहलाता है बताइए झंडा तो सबको पता है उस डंडे के बारे में बताइए आज बहुत बढ़िया क्या होगा क्या बोलेंगे उसको उसको बोलेंगे बच्चे फ्लैग स्टाफ क्या बोलेंगे फ्लैग स्टाफ बोला जाता है उसे ध्यान रखेंगे झंडे का जो डंडा होता है जिस पर झंडा फहराया जाता है उस डंडे को बोलते हैं फ्लैग स्टाफ चलिए अब जो बाकी के वर्ड्स है बच्चे उनके मीनिंग में आपको लिखवाता हूं एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है विटी विटी एंड क्लेवर आंसर्स है ना बहुत चतुर और चालाक तरीके से जब उत्तर दिया जाता है उस प्रोसेस को रिपार्टी बोला जाता है एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है मैनोमीटर मैनोमीटर क्या होता है एन इंस्ट्रूमेंट एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैजर कैशियस प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट जो गैसियस प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है वही मैनोमीटर कहलाता है एक और वर्ड दिखाई दे रहा है बच्चे आपको फैबल एफ ए बी एल ई फैबल फैबल होता है एन एनिमल स्टोरी एन एनिमल स्टोरी विद अ लेसन एक एनिमल स्टोरी जिससे आपको कोई शिक्षा मिले जैसे कि आपने वो स्टोरी देखी होगी ना कि भैया एक बार क्या होता है कि चूहा जो है एक बार शेर एक बार चूहे को शेर छोड़ देता है है ना कुछ कारण से उसको छोड़ देता है उसको नहीं मारता दया करके तो एक बार शेर फंस जाता है तो फिर चूहा आता है और उसकी जाल काटता है जाल को तर देता है बहुत पहले बचपन में सुनी थी वो कहानी तो बस ऐसी कहानियां फैबल कहलाती है अरे वो तुमने पढ़ी होगी पंचतंत्र वाली कहानियां वैसी ही है ये नोट कर लो हमारे यहाँ वही चलती है पंचतंत्र अंग्रेजों की उसी पंचतंत्र को फैबल बोल देते हैं बिल्कुल एनडीए वाले क्लास लेंगे ये एनडीए के लिए तो है ही एनडीए में आते हैं word, ये कौन पूछ रहा भैया अरे क्यों नहीं आते एनडीए की जान है अगला भैया ये रहा स्क्रीन पर बता दो मुझे अ पर्सन हु गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस इन बिजनेस एक पर्सन जो एक्सपर्ट एडवाइस देता है बिजनेस में क्या कहलाता है वो दीजिए भैया बिल्कुल 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 आर्मी क्लर्क नेवी वाले सारे बच्चे लेंगे एयरफोर्स वाले, नेवी वाले बच्चे आर्मी क्लर्क वाले बच्चे आर्मी क्लर्क में सो नंबर की इंग्लिश आती है ध्यान रखना मेरी क्लास कभी छोड़ना मत मैं आर्मी क्लर्क सिलेक्टेड हूं क्लियर है तो जो बताऊंगा वो काम का बताऊंगा इसलिए मेरी क्लास आर्मी क्लर्क वाले तो कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही एयरफोर्स वाले मैं दोनों एग्जाम सेलेक्टेड हूं इन चीजों को ध्यान में रखना बच्चे चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चों का सही आंसर आंसर क्या होगा आंसर होगा कंसल्टेंट आंसर क्या होगा बच्चे कंसल्टेंट चलिए अब जो बाकी के वर्ड्स हैं उनके मीनिंग में आपको बता देता हूं कैवैलियर कैवलियर कौन होता है वन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप जो हॉर्स राइडिंग में माहिर होता है वही क्या कहलाता है वही कैवेलियर कहलाता है एक और वर्ड दिखाई दे, दे रहा है बच्चे एलुसी डेट एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है एलुसीडेट एलुसीडेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन mysterious, कोई भी मिस्टीरियस चीज होती है ना कोई भी ऐसी चीज जो लोगों को समझ में नहीं आए कभी उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया जैसे आपने देखा था ना सब लोग बोल रहे थे भगवान गणेश जो है दूध पी रहे थे है ना ऐसा देखा था हमने कि भगवान गणेश दूध पी रहे थे तो असल में उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन था तो ऐसी चीजें ही क्या कहलाती है इन्हें एक्सप्लेन करना ही कहलाता है एलुसिडेट एक और वर्ड दिखाई दे रहा है विच आपको विच का मतलब क्या होता है अ वुमेन आ वुमेन सपोस्ट To have magical powers. चुड़ैल तो फट बोल दू और साइड में हो जाऊ लेकिन फिर मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा आईने में समझ में आ रहा है खुद को देखूंगा कैसे मैं? क्योंकि पेपर में ये आते हैं अगर मैं हिंदी में लिख दूंगा ना इन्हें कोई मतलब नहीं होगा सब गुड़ गोबर हो जाएगा सिनोनिम, एंटोनिम को हिंदी में लिख दो वो चलता है वो तो होता ही है हिंदी में याद करना है हमें लेकिन वन वर्ड्स तो भैया ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपर में तो जो चीज पेपर में जैसी पूछी जाती है मुझे वैसी ही लिखना है बोर्ड पर नोट करेंगे मेरे शेर एक बार सारे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जाकर प्यार से लाइक कर देंगे मेरे शेरों और शेनियों। जाओ फटाफट प्यार से लाइक कर दो वीडियो को अगला वर्ड ये रहा भैया फॉल इन टू अ फॉर्मर स्टेट अगला वन वर्ड है फॉल इन टू अ फॉर्मर स्टेट यानी पुनः पतन हो जाना पहले बनना मिटना फिर दोबारा बनना तो फिर दोबारा मिट जाना पुनः पतन क्या कहलाता है फॉल इन टू अ फॉर्मर स्टेट पहले की स्टेट में वापस चली जाना जल्दी 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 मेरे शेरों शानदार क्या कहलाता है बच्चे वो कहलाता है रिलैप्स वो कहलाता है रिलैप्स अब जो बाकी के वर्ड्स हैं उनके मीनिंग में आपको बताता हूं एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है अनार्की अनार्की का मतलब होता है एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही नहीं है किसी तरह की वही एबसेंस ऑफ गवर्नमेंट अनार्की कहलाएगा एक और वर्ड दिखाई दे रहा आरसेन आर्सेनल आरसेन मैंने कल भी आपको बताया था आर्सेनल हम लोग ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पर गोला बारूद वेपन्स रखते हैं प्लेस वेयर वेपन्स आर ये ई लिखा है बच्चे है ना आ प्लेस वेयर वेपन्स आर कैप्ट एक और वर्ड आपको दिखाई दे रहा है एटीमोलॉजी एटीमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विज्ञान कोई भी इंग्लिश का वर्ड कहां से आया किस देश से आया क्या क्या चेंजेस उसमें हुए हैं इन सब की स्टडी हम एटीमोलॉजी में करते हैं तो ये हो गया स्टडी एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स स्टडी एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स नोट करिए मेरे शेरों नोट कर लेंगे और आज पता है ना बच्चे आज से सुबह आठ बजे से मैंने आपकी प्रिपोजिशन चैप्टर की सीरीज चालू कर दी है यानी अभी पांच छह लगातार प्रिपोजिशन चलेगी आज भी हम प्रिपोजिशन के शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं तो सारे बच्चे सुबह आठ बजे मुझे मिल जाएंगे और चौबीस अक्टूबर को अजय बेनीवाल सर की सुबह सात बजे से मैराथन है कैलकुलस चैप्टर की उसे जरूर अटेंड करेंगे तो वो इस मैराथन को एक साथ लेंगे और मैं इस प्रेपोजिशन की मैराथन को रोज एक एक घंटा बांट कर ले रहा हूं यानी मेरी जो प्रेपोजिशन की मैराथन है ये भी लगातार चलेगी पांच छ दिन ध्यान रखेंगे चले भाई अब आ जाते हैं हम लोग ईडियोम पे और पहला आडियोम है टू मेक वंस ब्लड बॉइल पहला आइडियोम है टू मेक वंस ब्लड बोइल्ड टू मेक वंस ब्लड बॉयल देंगे सारे बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है बता रहा हूं इससे इजी क्वेश्चन तो मतलब क्या बताऊं मैं कहां कहा है क्वेश्चन देख लेता हूं भैया हां इंडियन कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे गड़बड़ नहीं करेंगे एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दो ना आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे वहां पर शेयर कर दो जो टेलीग्राम ग्रुप होंगे वहां पर शेयर कर दो मैं भी अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर देता हूं चांदा देखो सभी ने सही आंसर दिया है मजा आ गया क्या हो गया बच्चे इसका मतलब होता है टू मेक समबड़ी एक्सट्रीमली एंग्री टू मेक समबड़ी एक्सट्रीमली एंग्री यहां एस बी का मतलब होता है समबड़ी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना यानी हिंदी में बोलते हैं ना हम लोग खून उबाल देना है ना किसी का खून उबाल देना यानी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना वही कहलाता है टू मेक वंस ब्लड बॉयल चले अगला एडियोम ये रहा बच्चे स्क्रीन पर बताइए अगला आडियो है बाय लॉन्ग एड्स अगला एडियो है बाय लॉन्ग एड्स एक बार सारे बच्चे लाइक कर दो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है बाय लॉन्ग एड्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सही बाय अ ग्रेट डिफरेंस बाय लॉन्ग एड्स का मतलब होता है जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा डिफरेंस से बहुत ज्यादा दूरी से कवर होती है तब बाय लॉन्ग एड्स का मतलब यूज किया जाता है इस ईडियम का इस्तेमाल किया है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका हिंदी में हम लोग बोलते बच्चे हाथी बराबर दूरी से थी बराबर दूरी से है ना जैसे कि भाई सपोज भारत पाकिस्तान का मैच है तो भारत ने बनाए साढ़े चार सौ रन और पाकिस्तान सौ रन पर आउट हो गया तो ये जो डिफरेंस है ये बाय लॉन्ग एड्स से इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया हाथी बराबर दूरी से चलिए ये लीजिए भैया अगला आइडियोम शॉर्ट आफ्टर S o यू जी एच टी sort आफ्टर अगला ईडियो स्क्रीन पर है sort आफ्टर देंगे आंसर फटाफट क्या होगा मीनिंग sort आफ्टर का कोशिश करिए सारे बच्चे आंसर देने की और सही और सटीक आंसर देने की बफ हो गया थोड़ा बहुत बफ तो चलता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो चलती है एक बार शेयर कर दो यार सारे बच्चे आज 300 प्लस लाइव पर चलना है हमें बहुत बढ़िया एकदम सही आंसर भैया क्या होगा सॉफ्ट आफ्टर इसका मतलब होता है वॉन्टेड बाय मैनी पीपल बिकॉज इट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी और डिफिकल्ट टू गेट और फाइंड कोई ऐसी चीज जिसके लिए सब पागल हो रहे जिसकी हो जिसकी क्वालिटी बेजोड़ हो यानी हिंदी में क्या बोलते हैं वो होता है आग में तपा सोना। है ना आग में तपा हुआ सोना यानी सोना जो ऑलरेडी प्योर हो चुका है और जो बहुत ज्यादा डिमांड में है उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आफ्टर नाम के ईडियोम से रिप्रेजेंट करना चलिए भाई अगला इडियो ये रहा स्क्रीन पर अगला इडियो है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स अगला ईडियोम है पे ऑफ ओल्ड स्कोर सभी बच्चे गलत आंसर बच्चे कभी-कभी क्वेश्चन कभी ऐसे लेकर आता हूं कि जरूरी नहीं कि सभी का सही हो हो सकता है सबका गलत हो तो ये तो लगा ही रहता है ये तो होता ही रहता है सही गलत लेकिन आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप लोग आंसर्स मुझे सही ही दो शानदार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टू तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स क्या होता है बच्चे इसका मतलब इसका मतलब होता है टेक रेवेंज यानी हिंदी में क्या बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे बदला लेना तो किसी से किसी तरह का बदला लेना ही क्या कहलाता है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स कहलाता है अगला आइडियो ये रहा स्क्रीन पर बताइए भाई अगला आइडियम है आपके पास टू ब्रिंग टू लाइट अगला है टू टू ब्रिंग लाइट देख लो भाई किस पेपर का है भैया नेवी का क्वेश्चन है नेवी वाले बच्चे मुझे जवाब देंगे नेवी का नेवी का क्वेश्चन है वाले बच्चे मुझे जवाब देंगे सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन का टू ब्रिंग टू लाइट नेवी के एस्पिरेंट जवाब देंगे इस क्वेश्चन का बिना रुके दीजिए भाई फटाफट नेवी के एस्पिरेंट्स जल्दी एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे जोश के साथ अच्छा कोस्ट गार्ड दो मार्क्स से रह गया आकर्ष का कोई बात नहीं बच्चे अगली बार निकल जाएगा बहुत बढ़िया बहुत शानदार सही आंसर की और बढ़ते हुए मैक्सिमम बच्चे आइए देख लेते हैं भाई तो टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है क्या टू ब्रिंग टू न्यू लाइट का मतलब होता है टू ब्रिंग टू मेक न्यू इंफॉर्मेशन नोन टू ऑल यानी स्पष्ट कर देना स्पष्ट कर देना कोई भी नई चीज आई और उसको क्या किया उसको लोगों को बता दिया उस नई इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर कर दिया स्पष्ट कर दिया वही होता है टू ब्रिंग टू लाइट चलिए भैया आगे बढ़ जाता हूं और अब बात करेंगे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स की अब बात होगी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स की चलिए भैया मुझे बताइए कि इन चारों में से इंटरप्ट की सही स्पेलिंग क्या है बताइए जल्दी चारों में से इंटरप्ट की सही स्पेलिंग क्या है बिना रुके बिना टुके फटाफट आंसर दीजिए इंटरप्ट की सही स्पेलिंग मेरे बच्चों और मेरी नजर सीधे आपके कमेंट्स पर है अच्छा सुजीत कुमार मेरा हो गया कोस्ट गार्ड में ओके धन्यवाद धन्यवाद मजा आ गया भाई ऐसे सिलेक्शन लेते रहो मजा आ जाएगा बहुत बढ़िया ऋतिक श्यामू कार्तिक रमनदीप मृत्युंजय सचिन अंशिका विपिन जीना मुकेश स्मार्ट बहुत बढ़िया रणवीर दृष्टि मोहिनी एंडी एस्पिरेंट शानदार बालिवान संयोग अभिषेक मनीष आकांक्षा आराधना जीना बहुत बढ़िया दीपेश शानदार क्या बात है क्या बात है अंशिका श्वेता पंखुनी बहुत बढ़िया खुशी आदित्य मनीष प्रयास बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मोहिनी बहुत बढ़िया गौरव मौसम बिट्टू बहुत बढ़िया तो क्या होगा बच्चे सही आंसर आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इंटरप्ट क्या होगा सही आंसर थर्ड ऑप्शन इंटरप्ट ये है सही स्पेलिंग इंटरप्ट की ये है सही स्पेलिंग इंटरप्ट की बच्चे क्लियर है चलिए अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर भाई अगला करेक्टली वर्ड ये रहा बताइए फटाफट फ़ड़। उसके पहले एक थॉट है आपके लिए कि, कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है तो वही आपको बताएगा देखो मैं ऐसे सिलेक्ट हो गया लेकिन उससे क्या मेहनत तो आपको ही करनी होगी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा चलिए फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा है आपके पास चार स्पेलिंग है फॉरेन की आपके पास चार स्पेलिंग है बच्चे फॉरेन की बताइए कौन सी स्पेलिंग सबसे सही और सबसे सटीक है फॉरेन की कौन सी स्पेलिंग सबसे सही और सबसे सटीक है फॉरेन की देंगे आंसर फटाफट फड़। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कौन सी स्पेलिंग सही है बच्चे सी ऑप्शन एफ ओ आर ई आई जी एन यही सबसे सही स्पेलिंग है फॉरेन की फॉरेन का मतलब क्या होता है बच्चे बाहरी जो भी बाहरी है वो क्या है वो फॉरेन है चलिए अगला वर्ड बताइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको मुझे बताना है सेम ब्लेंस की सही स्पेलिंग आपको मुझे बताना है सेम ब्लेंस की सही स्पेलिंग फिर मैं आपको बताता हूं का मीनिंग बताइए सेम ब्लेंस की सही स्पेलिंग एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या होगा बच्चे थर्ड ऑप्शन सेम्बलेंस का मतलब क्या होता है सेम्बलेंस का मतलब होता है बच्चे दिखावा या किसी भी तरह की कोई झलक ध्यान रखेंगे बच्चे क्यों लिख देता हूं मैं हिंदी मीनिंग मैं सिर्फ इसलिए लिख देता हूं हिंदी मीनिंग मेरे बच्चों कल को अगर ये कोई भी वर्ड पेपर में आ गया तो तुम्हें याद हो कि हाँ ये पढ़ा था हमने वहां पर और उस वक्त अगर तुम्हें मीनिंग याद आ गया तो समझ लो मजा आ गया तो का मतलब होता है दिखावा झलक चलिए अगला वर्ड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको मुझे बताना है एनवेलप की सबसे सही स्पेलिंग बताइए जल्दी एनवेलप की सबसे सही स्पेलिंग जोश के साथ सारे बच्चों में जोश दिखाई देना चाहिए सुबह सुबह की क्लास में जोश नहीं आया तो फिर क्या आया तो फटाफट फड़ जोश के साथ आंसर देंगे मुझे बताएंगे की सबसे सही स्पेलिंग देंगे सारे बच्चे जो अभी तक आंसर नहीं दे रहे हैं वो भी जोश में आएंगे और आंसर देंगे सारे के सारे यहां रियल कंपटीशन होती है यहां ऐसी कंपटीशन होती है कि जो कभी नहीं बोलता वो भी मेरी क्लास में आकर बोलता है तो सारे बच्चे आंसर देंगे जोश के साथ जुनून के साथ बिना डरे कोई हंसता है तो उसे हंसने देंगे और आप आंसर देते रहेंगे देखो तो क्या आंसर आए हैं बहुत बढ़िया एकदम सही क्या है? स्पेलिंग एनवेलप एनवेलप की ई ई एन वी एल ओ पी का मतलब क्या होता है बच्चे एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा ये आप जानते हैं मैं जानता हूं लेकिन मैंने अलग से लिखा है क्योंकि मेरा कर्तव्य है आपको हर वर्ड का हिंदी मीनिंग देने का अगला वर्ड ये रहा बच्चे बताइए वर्ड ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है हमेशा ऐसे ही फंस जाते बच्चे करेक्टली स्पेल्ट पूछे तो करेक्टली स्पेल्ट लगाओ रोंगली स्पेल्ट पूछे तो रोंगली स्पेल्ट लगाओ अब उसने बोला है इन सब में से रोंगली स्पेल्ट कौन सा है यानी इसमें से कोई एक स्पेलिंग गलत है बताइए वह कौन सी है जल्दी जल्दी मेरे शेरों पूरे जोश और जुर्न के साथ आंसर देंगे सही आंसर देंगे कि क्या स्पेलिंग कौन सी स्पेलिंग गलत है इन चारों में से किसकी फिर मैं इन सब के हिंदी मीनिंग लिखाऊंगा और वो जो आप आंसर में देंगे उसको सुधार के लिखूंगा अभी जल्दी, जल्दी 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 फास्ट बहुत बढ़िया किसकी स्पेलिंग गलत है भाई कॉन्वर्सेंट की स्पेलिंग गलत है इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है देख लो सी ओ एन वी ई आर एस ए एन टी यानी जो एस ई -E था असल में वो एस ए होता है यही गड़बड़ है इसका मतलब क्या होता है बच्चे इसका मतलब होता है प्रवीण किसी भी चीज में प्रवीण या किसी भी चीज में पारंगत अब जो बाकी के वर्ड हैं उनके मीनिंग कॉन्फिडेंट आप जानते हैं कॉन्फिड मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कॉन्फिडेंट तो कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना किसी भी चीज को पकड़ लिया तुम लोग बिना हेलमेट के चले जाते हो ना पुलिस जब्त कर लेती है तुम्हारा हेलमेट वो कॉन्फिस्ट सॉरी हेलमेट नहीं तुम्हारी गाड़ी वो कॉन्फिस्केट हो जाता है एक और वर्ड दिखाई दे रहा है कॉन्जेक्टर एक और वर्ड दिखाई दे रहा है कॉन्जेक्टर कॉन्जेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे कॉन्जेक्टर का मतलब होता है किसी भी तरह का अनुमान हम लोग अनुमान लगाते हैं ना किसी भी तरह का वही अनुमान कॉन्जेक्टर कहलाता है नोट करेंगे मेरे सारे शेर हर एक वर्ड नोट कर लेंगे जो बोर्ड पर लिखा है मैंने नोट करिए सारे वर्ड्स को चलिए अगला वर्ड ये रहा स्क्रीन पर अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्रेजल वर्ब तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड का टाइम खत्म हो गया अब बोर्ड पर आ गए हैं फ्रेसल वर्ब जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेवी का एनडीए का एयरफोर्स का इंडियन कोस्ट गार्ड का आर्मी क्लर्क का सीधे क्वेश्चन आता है सीधे एक दो तीन क्वेश्चन तक वो पूछ लेता है इसलिए मेरे बच्चे गलत जवाब नहीं देंगे थोड़ा सोचेंगे समझेंगे उसके बाद आंसर देंगे गलत जवाब नहीं देंगे जल्दी 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 पहला फ्रेजल वर्ब है कैरी फॉरवर्ड डीजी का आंसर बहुत बढ़िया सही आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है टू ट्रांसफर टू ए न्यू कॉलम यानी नए पृष्ठ पर ले जाना नए पृष्ठ पर ले जाना किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड कर देना यानी किसी चीज को नई स्थिति में पहुंचा देना कैरी फॉरवर्ड कर दिया जैसे कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर दी किताब का पेज पलट दिया यानी नए पुस्ट पर चले गए वो कैरी फॉरवर्ड करना हो गया अगला फ्रेज अलव ये स्क्रीन पर बताइए भाई अगला फ्रेज अल्वब है गो डाउन अगला फ्रेज अल्वब स्क्रीन पर है डाउन चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सबसे सही और सटीक ऑप्शन होगा दीजिए गो डाउन फ्रेजल वर्ब है आपका एक बार सारे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं फटा फटाफट प्यार से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ये देखो सारे शेरों ने एकदम सही आंसर दिया है क्या बात है फ्रेजल वर्ब के जब सही आंसर आते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है क्योंकि फ्रेजल वर्ब वो कैप का सबसे टफ पार्ट होता है फ्रेजल वर्ब वो कैप का सबसे टफ पार्ट है फ्रेजल वर्ब में जो सोचते हो वैसा होता ही नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे शेरों क्या होगा टू सिंक यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हिंदी में बोलेंगे डूब जाना क्या होगा गो डाउन उसका बिजनेस डाउन चला गया बिजनस, उसका बिजनस नीचे जाएगा बिजनेस विल गो डाउन नीचे जाएगा डूब जाएगा खत्म हो जाएगा वो जहाज में डाउन चला गया यानी वो डूब गया चले अगला फ्रेज अल्वाब है बच्चे फॉल इन विद अगला फ्रेज वर्ब है फॉल इन विद दीजिए आंसर फटाफट पड़। एक भी आंसर गलत मत दीजिएगा बच्चों एक भी गलत आंसर की जरूरत है ही नहीं मेरी क्लास में सही आंसर देने की कोशिश करिए अगला फ्रेजर वर्ब है फॉल इन विथ फॉल इन विद जल्दी 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 मेरी नजर कमेंट्स पर है आपके और मुझे कमेंट्स कम दिखाई दे रहे हैं क्या बात है क्वेश्चन टफ है क्या क्वेश्चन परेशान करने वाला है क्या बहुत बढ़िया शानदार मेरे शेरों क्या होगा आंसर आंसर लिखा है बच्चे साफ साफ बोर्ड पर ही आंसर है केवल समझने वाले समझ जाते जो फ्रेजल वर्ब दे रखा है जो फ्रेजल वर्ब देखा है फॉल इन विध इसका मतलब होता है टू एग्री मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं सहमत होना किसी भी चीज से जब सहमत होते हैं तब जो फ्रेजल वर्ब यूज किया जाता है वो फॉल इन विद होता है चलिए अगला फ्रेज वर्ब है सेंट फॉर अगला फ्रेज वर्ब है सेंट फॉर जो सोचोगे ना जो सोचोगे उस उम्मीद से परे ही इसका आंसर आएगा तुम लोग देख लेना ऐसा ही होता है हमेशा तुमने जो सोच रखा है उसके परे ही इसका आंसर आने वाला है जल्दी 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 इतनी देर में तो एक क्रिकेट मैच खत्म हो जाएगा बहुत बढ़िया क्या होता है बच्चे इसका मतलब इसका मतलब होता है टू कॉल समवन फॉर हेल्प देख लो देख लो फ्रेजल व को समझ लो यहां लिखा हुआ है सेंट फॉर ट फॉर मतलब किसी चीज के लिए भेजना और मीनिंग क्या हो रहा है किसी को बुलाना मदद के लिए टू कॉल सम वन फॉर हेल्प हिंदी में लिख देता हूं आसानी होगी किसी को मदद के लिए बुलाना किसी को मदद के लिए बुलाना चले भाई अगला फ्रेजल वर्ब देख लो क्या है बी आर अवे अगला अगला फ्रेजल वर्ब है बी आर अवे दीजिए फटाफट आंसर मुझे चंदेल बोल रहा है बी वालों के लिए चाय <laughs> रॉक स्टार बोल रहा है ये तो मैंने पढ़ा था मुझे पता था अच्छा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है क्या बात है बहुत बढ़िया बच्चे तो बियर अवे का मतलब क्या होता है बियर अवे का मतलब होता है बच्चे बियर ऑफ टू विन टू गेट यानी जीतना किसी भी चीज को जीतना ही बियर अवे कहलाता है आई वॉन्ट टू बियर अवे द ट्रॉफी आई वॉन्ट टू बियर अवे दिस सिलेक्शन आई वॉन्ट टू बियर अवे हर हार्ट मैं उसका दिल जीतना चाहता हूं इसी चीज के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो बियर अवे यूज किया जाता है क्लियर है सबके दिमाग में सेट हुआ देखता हूं आगे क्या है भाई आगे एक बहुत प्यारा सा थॉट है कि बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है तो जो गुजर गया सो गुजर गया नहीं निकला पहले कभी पेपर तो कोई बात नहीं है चलेगा लेकिन अब आने वाला पेपर तुम्हारे ही हाथों में है तुम्हें मेहनत करनी है तुम मेहनत करोगे तो पेपर निकलेगा तुम मेहनत नहीं करोगे टाइम पास करोगे तो जाके कहीं ना कहीं एक दिन मोबाइल की सिम बेचोगे इसलिए तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपना भविष्य कैसा करना चाहते हो चलिए बच्चे इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा आठ बजे सुबह आठ बजे याद से प्रेपोजिशन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज से ही आ जाएंगे सारे बच्चे जोश के साथ जय हिंद जय इगजामपुर